नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो वैशाख का महीना खत्म होने वाला है, यानी कि वैशाख का महीना जो है समापन की ओर जा रहा है। और इस महीने में, जैसे हर महीने में पूर्णिमा आती है, तो वैशाख पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। तो आज की जो वीडियो है ये वैशाख मास के पूर्णिमा पर ही है कि पूर्णिमा पर पूजा विधि क्या होगी, या जिन लोगों ने पूरे महीने दान पुण्य नहीं किया, पूरे महीने व्रत नहीं किया, तो वो पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि उन्हें पूरे महीने के दान पुण्य का फल मिले, स्नान का फल मिले, और जो व्रत है उसका फल भी उन्हें सिर्फ एक पूर्णिमा के दिन ही मिल जाए। तो आज ये वीडियो उसी पर है। तो जी, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, और महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन जो शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के। तो जो 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, अमावस्या आती है। अमावस्या के बाद से जो प्रतिपदा शुरू होती है, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, फिर आती है 15वें दिन पूर्णिमा। तो वो व्रत हर महीने रखा जाता है। साल में 12 पूर्णिमा आती है, और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो वैशाख पूर्णिमा 16 मई को आ रही है, 15 मई को दोपहर को 12:45 पर लगेगी, और 16 मई को सुबह 9:43 तक पूर्णिमा रहेगी। तो जो पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा 16 मई को ही किया जाएगा। और पूर्णिमा के दिन इस बार चंद्र ग्रहण है, तो जो ये चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। तो इसका जो सूतक काल है वो मान्य नहीं है। तो पूजा पाठ बड़े विधि विधान से हम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमें दिखाई नहीं देगा हमारे भारत में। तो जी, वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा का अलग महत्व होता है, लेकिन वैशाख के महीने की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, क्योंकि इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। और स्कंद पुराण के अनुसार महात्मा बुद्ध को भगवान श्री हरि विष्णु का 9वां अवतार कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैशाख पूर्णिमा का महत्व बताया था, क्योंकि जो सुदामा है भगवान श्री कृष्ण से इसी पूर्णिमा के दिन मिले थे, जिससे कि उनकी दरिद्रता का नाश हुआ था। तो पूर्णिमा के दिन व्रत करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती, सुख सौभाग्य की कमी नहीं रहती, यानी कि घर में सुख समृद्धि और अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो चलिए, वैशाख पूर्णिमा की थोड़ी सी जो पूजा विधि है उस पर बात कर लेते हैं। तो जी, जिन लोगों ने पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान नहीं किया, वो सिर्फ एक दिन यानी कि 16 मई को यानी कि पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं, तो पूरे महीने के स्नान का फल उन्हें मिलेगा। गंगा में जाकर स्नान करें या किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो, वहाँ जाकर स्नान नहीं भी कर सकते तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। फिर आपको जहाँ पूजा करनी है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल से छींटे मारें, फिर भगवान सत्यनारायण की, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। तो पीले फूल, पीले फल, कलश स्थापना कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अर्चना की जाती है, सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो इसकी विधि है, मैंने वीडियो अपलोड पहले की हुई है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्यनारायण भगवान की मैंने पूरी कथा सुनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पूरे विधि विधान से पूजा करें। तो जिन लोगों ने पूरे महीने, चलो ये तो हो गया कि स्नान जिन्होंने नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेंगे तो पूरे माह स्नान का फल मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं जिन लोगों ने पूरे महीने व्रत नहीं किया, तो सिर्फ एक वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत कर लेंगे तो पूरे महीने व्रत का फल आपको मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा। तो मेरे तो खैर पूरे महीने ही व्रत चल रहे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें पूरा फल मिलेगा। तो जब पूजा करेंगे, व्रत का संकल्प लें कि आप आज पूर्णिमा का जो व्रत है रखेंगे। पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाता है
वो चंद्रमा को जल देकर फिर रखा जाता है, यानी कि रात को चंद्रमा को जल देने के बाद ही जो अन्न है ग्रहण किया जाता है। जो सत्यनारायण का व्रत होता है वो कभी तो पूर्णिमा में आता है और कभी आता है पूर्णिमा से एक दिन पहले। तो सत्यनारायण का व्रत बिना चंद्रमा को जल दिए भोजन दिन में कर सकते हैं, तो ये व्रत करना है पूर्णिमा का। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे रात को चंद्रमा को जल देकर ही अपना व्रत का जो पारण है वो करेंगे। तो पूरे विधि विधान से पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं, पंचामृत जरूर बनाएं शालिग्राम जी को, और बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं, विष्णु स्तोत्र पढ़ें और या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एक माला ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए एक माला जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने और माता लक्ष्मी के सामने कपूर जरूर जलाएं, किसी कटोरी में या किसी दिए में कपूर रख दें और माता लक्ष्मी को भगवान श्री हरि विष्णु को कपूर जरूर अर्पित करें। तो कपूर अर्पित करने का मतलब है कि वो कपूर जलाना है, तो कपूर जरूर जलाएं। तुलसी की माला भी आप अगर धारण करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन तुलसी माला को गंगा जल से धोकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास रखकर या बाल गोपाल के पास रखकर उसे आप धारण कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी बहुत विधान है, तो माता लक्ष्मी की पूजा भी पूरे विधि विधान से, पूरे श्रद्धा से, पूरे भाव से करें। पूजा करने के बाद पूर्णिमा की कथा भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की कथा होती है, आपको बुक मिल जाएगी या नेट पर आपको मिल जाएगी, तो कथा सुन लें। फिर उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करना है, ओम आदित्य सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तुलसी जी में जल जरूर दें, तुलसी जी में दिया जलाएं। तो भगवान श्री हरि विष्णु को आप जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनता है, आटे को भूनकर बनाया जाता है और पंचामृत और केले का भोग लगाया जाता है, वो भगवान के सामने भोग लगाएं, फिर उसका आप दान भी दे सकते हैं। जो आटे का भोग बनेगा वो आप नहीं खा सकते हैं, जो पंचामृत का भोग या जो फ्रूट का भोग लगाया है वो जिन लोगों ने व्रत किया है वो खा सकते हैं। तो आज के दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न का दान, जल का दान का बहुत अधिक महत्व है। तो जिन्होंने पूरे महीने कोई दान नहीं दिया तो वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न का दान जरूर करें, एक मटका लें उसमें जल भरकर उस जल का दान जरूर करें। खीरा ककड़ी जैसे सीजन में वैशाख के महीने में बहुत आते हैं तो उनका दान करें, दूध का दान करें, दही का दान करें या जूते का दान करें, छाते का दान करें, और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी का इंतजाम जरूर करें, पानी की व्यवस्था करें, उन्हें भी पानी जरूर दें। गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, यानी कि हमारा मेन मकसद यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा दान देना है। दान आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, किसी मंदिर में भी देकर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली मंदिर में दे दिया, जरूरतमंद को नहीं देना कि मैम ने बोला है मंदिर में ही देना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूखे, किसी भी भूखे को आप जल दें, किसी भी भूखे को आप अन्न का दान जरूर दें, किसी जरूरतमंद को अन्न और जल का दान जरूर दें। तो ये तो हो गई पूरी पूजा विधि, हमने क्या क्या दान देना है। और अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने व्रत करना है वो अपना व्रत का पारण कैसे करेंगे या व्रत कैसे करेंगे। तो जी सुबह जो पूजा पाठ करेंगे उसके बाद आप पूरे दिन फल दूध चाय ले सकते हैं। ठाकुर जी के दिन में अगर आपने खाना पूरा बनाया तो ठाकुर जी के भोग लग जाएगा, लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगे रात्रि को चंद्रमा को जल देने के बाद ही अपना व्रत खोलेंगे यानी कि भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और चंद्रमा को जल देने से कहते हैं कि जो हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो वो चंद्रमा की स्थिति हमारी मजबूत हो जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी मजबूत स्थिति में भी होता है, जैसा भी बताया 16 कलाओं से पूर्ण होता है, तो कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर खड़े हों जिससे कि हमें मानसिक शांति मिले, हमारा मन हमारा दिमाग अध्यात्म की तरफ जाए और जो हमारी चंद्रमा की स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए। और एक और बात बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल के तेल का एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने जरूर जलाएं, देसी घी का भी जलाएं और
कपूर भी आपको जलाना ही है, जैसा कि पूजा में मैंने आप लोगों को बताया है। तो जी ये थी बिल्कुल सिंपल साधारण सी सरल सी पूजा जो मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से करनी है वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो जी जितना सरल होकर पूजा करेंगे, हर बार वीडियो में बताती हूँ, जितना सरल होकर पूजा करेंगे उतना आपका मन पूजा में लगेगा, जितना कम से कम नियमों में बंधेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में मन लगेगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारे भाव भी शुद्ध होंगे। तो बस मन को एकाग्र करके, मन को पवित्र करके, अपने भावों को शुद्ध करके, पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और